धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने आज मेरे संसदीय क्षेत्र के एक अति महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया है। महोदय, एक अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना है जिसका नाम उत्तर कोयल सिंचाई योजना है। ये परियोजना आज से 45 वर्ष पूर्व शुरू हुई थी, लेकिन अभी तक अधूरी है। महोदय, इस परियोजना से दोनों राज्यों, झारखंड का पलामू जिला और बिहार का औरंगाबाद गया, दोनों जिलों को मिलाकर 1.25 लाख भूमि की सिंचाई होनी है। महोदय, इस परियोजना के अधूरे काम को पूरा करने का शिलान्यास हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4 जनवरी 2019 को किया था। 30 महीने उस काम को पूरा करने के लिए निर्धारित किए गए थे। काम चल रहा है महोदय, लेकिन जिस गति से काम चलना चाहिए ताकि अपने निर्धारित समय में ये काम पूरा हो जाता, मैं ये बात आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। और उसका उद्देश्य ये है कि ये परियोजना मेरे संसदीय क्षेत्र की जीवन रेखा है, मेरे किसानों के जीने का आधार है ये परियोजना। ये जो ये तीनों जिले हैं, ये पूरी तरह से नक्सल क्षेत्र हैं, उग्रवाद से प्रभावित हैं, और प्रधानमंत्री जी ने इन तीनों जिलों को, झारखंड का पलामू, बिहार का औरंगाबाद और गया, इनको पिछड़े होने के कारण एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की सूची में भी रखा है। तो हर तरह से हमें ये हक है, हर तरह से हमें ये अधिकार है इस परियोजना को पूरा कराने का, ताकि हमारे किसानों के खेत में उत्तर कोयल नहर का पानी पहुंच सके महोदय, ताकि वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ के किसानों के जीवन जीने का जो आधार है, ये इस परियोजना के माध्यम से हो। वहाँ बेरोजगारी भी दूर होगी, नक्सल की समस्या भी खत्म होगी और हमारे किसान खुशहाल होंगे। इसलिए और 5-5 संसदीय क्षेत्रों को ये परियोजना आच्छादित करती है, इसलिए आपके माध्यम से मेरा पुनः अनुरोध होगा कि जिस तरह से हमारी सरकार गति शक्ति योजना और पुरानी परियोजनाओं को पूरा करने का काम शुरू किया है, इस नॉर्थ कोयल सिंचाई योजना को भी कम से कम समय में पूरा किया जाए। महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।